देर बैठी है, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में, जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरी चंदन। कौन सा चंदन है? हरी चंदन। हरी चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरी चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए, और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरी चंदन प्रियता, जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका पांचवा स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा, जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता, तीन मुख्य रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए, और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए।
वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरी चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में, जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को एक रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो, क्यों डोलो, उस पर विश्वास रखो। वो शंभो, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़ के चढ़ाए आना, दो चार बार कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा, स्वयं करिए। ओ ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु है, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव मृत्यु लोक का देव। अभी एक विचार करो, तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रह रहा वो आएगा क्या, ऊना में बच्चे रह रहे हैं वो आएंगे क्या, इंदौर में बेटी रह रही वो आएगी क्या, उज्जैन में कोई रह रहा है वो आएगा क्या? सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा, या घर के करीब में होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा, या घर में होगा। अब आप कहां रहते हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना, कहां रहते हो? पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में रहते हो। और पुकार किसको रहे हो? ब्रह्म लोक में। पुकार किसको रहे हो? वैकुंठ लोक में। पुकार किसको रहे हो? इंद्र लोक में। और जो घर के घर में रह रहा है, जो तुम्हारे पास में रह रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको तो बुला ही नहीं रहा।